हैं अनिल जी, ये बताएंगे पहले। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने मैं कहती हूँ कठपुतली और उसकी डोर जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर विपिन के हाथ में है, तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने पूरी फिल्म पे काम किया है, मैंने एक अपने छोटे से रोल पे काम किया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अनिल जी का छोटा सा रोल नहीं, बहुत उमदा और इम्पोर्टेंट रोल फिल्म के अंदर, और इनके करेक्टर का नाम है धनराज सिंह। मजाक की बात नहीं, अनिल जी और बाकी के सभी किरदार ने फिल्म के अंदर बहुत बहुत खूबसूरती से निभाया है और फिल्म को एक मुकाम तक पहुँचाया है, सभी का चाहे वो प्रेम जी हों, चाहे वो रजनीश जी हैं, चाहे वो आशु जी हैं, रूना साइशा है, अनिल जी हैं, पंकज झा है, गिनती के 7-8 ऐसे किरदार हैं फिल्म के जो पूरी फिल्म को ड्राइव करते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत रोलर कोस्टर राइड है फिल्म में, जब ऑडियंस भी देखेगी तो आई थिंक पसंद करेगी। शूटिंग करते हैं मुझे भी बहुत मज़ा आया कि जो मेरे सीन होते थे उसके अलावा जो शूट पे होता था, अरे मस्ती होती थी, होता था ये फिल्म हमने बड़ी हंसते खेलते खेलते मस्ती में मस्ती मैं इनसे अभी भी करता है तो इनसे मेरी लड़ाई भी होती है, अभी भी मैं लड़ चुका हूँ थोड़ी देर पहले, वो तो करना पड़ेगा ना, लड़ाई होगी काम अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, प्यार ही प्यार होता है, लड़ाई ना हो तो क्या फायदा, तो वो जो है सब बहुत बढ़िया है। और बताइए क्या प्रेम जी को लेने का खास मकसद प्रेम जी को लेने का खास मकसद यही था कि फिल्म के जो कैरेक्टर की डिमांड थी वो प्रेम जी से अच्छा कोई और निभा नहीं सकता और हमें एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर चाहिए था और जो गुरुजी का किरदार है और गुरुजी लगे हैं और उनका फिर हमने जो मेकओवर किया जो आप पोस्टर में देखेंगे आई थिंक वो साइड है, तो वो पूरा गेटअप उनका पूरा मेकओवर जब हमने स्क्रीन टेस्ट किया यहाँ तक कि प्रेम जी ने अपना ऑडिशन दिया हम लोगों को कि भाई पहले तुम लोग इतना कन्विक्शन के साथ हमारे साथ आ रहे हो मेरे पास करने के लिए, पहले देख तो लो कि मैं वो रोल में फिट भी बैठता हूँ या नहीं, बट उन्होंने ज़बरदस्ती सामने से बोलकर ऑडिशन दिया और उसमें आई थिंक हम लोग तो अपनी तरफ से कन्विंस थे, एक्चुअली उन्होंने ऑडिशन शायद अपने लिए दिया था, ही वॉन्टेड टू बी कन्फर्म फ्रॉम हिज साइड की वेदर ही वॉन्ट्स टू डू दैट फिल्म और नॉट, और बहुत अच्छा बहुत खूबसूरती से प्रेम जी ने निभाया। सर प्रेम चोपड़ा के साथ में काम करने का अनुभव बताएंगे? बस मैं यही कहूँगा कि वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेम जी के साथ मतलब मैं तसव्वुर में अभी भी सोचता हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं आज वो, लेकिन कभी जब मैं अकेला होता हूँ आज भी तो मैं ये सोचता हूँ कि आप इंटरव्यू ले रहे हो राइटर से, अगर इंटरव्यू लोगे आप तो वो तो फिर संभल कर देगा और वो पूरे दिन भर दे नहीं पाएगा शॉट। तो प्रेम जी के साथ जो काम करके मतलब मुझे लगा आज हम साथ में रहते हैं बैठते हैं दोस्ती हो गई, तो उसमें अभी जब मैं अकेला जाता हूँ घर तो मैं सोचता हूँ कि ये वही प्रेम जी से मैं मिल के आया हूँ जिनकी हमने इतनी फिल्में देखी हैं, प्रेम नाम है मेरा, तो मतलब एक ऐसा लगता है बड़ा अच्छा लगता है कि आज हम उनके साथ काम करें वाकई, और विपिन जी के साथ काम करते तो वाकई बहुत अच्छा, इन्होंने मुझसे काम करवाया है और अभी आपने कहा कि प्रेम जी ने इसके लिए ऑडिशन भी दिया और मेरी मतलब ये जो भी कहो मुझसे इन्होंने ऑडिशन भी लिया। अनिल जी तो ऑफिस में मिलने आए थे, आई थिंक किसी और काम से आए थे, जब उनके साथ बैठे बात हुई हल्का सा, इन्होंने बोला क्या बना रहे हैं, हमने हल्का सा ऐसे बता दिया कि सर ऐसी कुछ फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने बोला अरे मैं कर रहा हूँ सर, ये तो मतलब हमारे लिए इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, तो वो किरदार इन्होंने पकड़ लिया, सभी एक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा काम करने और मज़ा आया। इसमें डेब्यू भी है, डेब्यू भी है जिनकी फर्स्ट मूवी है उनके साथ काम कर, साइशा सैगल की एक्चुअली ये पहली फिल्म है बट उन्होंने जिस तरीके का अभिनय किया है इस फिल्म में वो अभिनय देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहले फिल्म, क्योंकि उनके 3-4 कैरेक्टर बहुत कैरेक्टर्स आई थिंक सभी के, इवन अनिल जी के सभी किरदार इस फिल्म के अंदर में, एक्चुअली एक्टर्स 6 हैं लेकिन किरदार मेरे ख्याल से 15-20 हैं। सर आपके कौन कौन से किरदार हैं? हाँ जी आपके कौन कौन से किरदार हैं इस फिल्म में? मैं मतलब फिल्म देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मेरा कैरेक्टर का नाम है धनराज सिंघानी, वो बदलता रहता है इसके लिए अगर आपको सब बता देंगे तो।